मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक विशेष पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। सावन के अंतिम सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर के लिए समर्पित यह पुलिस स्टेशन मंदिर परिसर की सुरक्षा और प्रबंधन को और बेहतर बनाएगा। न्यूज एजेंसी के अनुसार महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए 400 होम गार्ड्स की तैनाती के साथ साथ निजी सुरक्षा एजेंसी की भी सुविधाएं की जाएंगी। इस निर्णय का उद्देश्य मंदिर परिसर को पूरी तरह सुरक्षित और अनुशासित रखना है, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उज्जैन में नए धार्मिक न्यास और बंदोबस्ती निदेशालय के उद्घाटन के अवसर पर सीएम यादव ने मंदिर परिसर में अनुशासन और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उज्जैन शहर में एक और पुलिस स्टेशन स्थापना की जाएगी, जिससे सिंहस्थ पर्व 2028 की तैयारियों को सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके। इस पर्व के लिए इस साल के बजट में 500 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित किया गया है। सीएम यादव ने यह भी घोषणा की कि भगवान राम और भगवान कृष्ण द्वारा अपनाए गए मार्गों को यह व्यापक धार्मिक विरासत परियोजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का गठन किया गया है, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों की भूमि का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक स्थलों से जुड़ी भूमि का उपयोग उनकी बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए। इस नई पहल से महाकाल मंदिर की सुरक्षा और प्रबंधन को और भी सशक्त बनाया जाएगा, जो उज्जैन के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को और भी अधिक मजबूती प्रदान करेगा।